गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्रा की छोटी दुनिया। और आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी के लिए लाइव, क्योंकि कल इसका त्योहार है। तो ठंड तो बहुत ज्यादा है और मौसम भी देखिए कैसा है। मैं बाहर ही बनाऊंगी चूल्हे पर और लकड़ी से, क्योंकि उसका लाइव बहुत अच्छा बनता है। देखो आ गया मेरा पबजी। हाय आंटी जी, कैसे हो? बढ़िया है। और क्यों, आज सब्जी की दुकान नहीं चल रही है क्या? सब्जी मंडी से आ रहे हैं। बहुत काम करते हो। हाँ, ये अपने पूरी फैमिली के लिए मैं सब्जी बेचता है और अंडा का भी लगाता है, पकौड़ी भी बनाता है, अपने बहुत काम करता है। यू आर बेस्ट बॉय। क्या करे, मान लीजिए कमाएंगे तब खाएंगे। ये देखिए, मैं जा रही हूँ लाई बनाने और ये मोहिनी घूमने जा रही है और ये मोहिनी की फ्रेंड भी आई हुई है। तो ये इसी चक्कर में देखिए, हम बोले कि आज लाई बनाना है, थोड़ा तिल बनाना है, तो मेरा हेल्प करना। मैं कर लूंगी। तो मैं जा रही हूँ अब लाई बनाने। सबसे पहले मैं एक काली तिल का बनाऊंगी, क्योंकि यही पूजे में लगता है। और आधा तिल भून लेंगे और आधा में कच्चे तिल का यूज होता है गणेश चौथ में भी और खिचड़ी में भी। तो दो दो त्यौहार पड़ रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और मैं गैस पे नहीं बनाती उसको, लकड़ी ही जला के बनाती हूँ। धुआं लग रहा है तो इसको जल्दी जल्दी भून लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पर साफ रहता है और गैस हर समय साफ नहीं रहता है। कुछ चढ़ाना रहता है पूजे में, गणेश चौथ के दिन भी चढ़ता है और खिचड़ी के दिन भी यूज होता है चूल्हे में। थोड़ा सा पक गया क्योंकि चटकारी की आवाज़ आने लगी, समझ जाइए फोन गया। वाइट तिल भी मैंने धो के रखा है, धो के साथ मैंने पहले ही रख लिया है। ब्लैक को अलग रखा है और जो वाइट तिल है उसको अलग रखा है। दोनों का अपना अलग अलग स्वाद है। और ये दोनों लोग मिलकर मेरे साथ हेल्प करेंगे तो थोड़ा, क्योंकि बारिश के समय जब तक एक दो आदमी नहीं होता है तो बच नहीं पाता है। नीचे है बेटा अलमारी में, नीचे डिब्बे में है। मैं अधिकतर इसी में बनाती हूँ, छठ में भी मैं इसी के ऊपर ईंटे से भी जोड़ के बना लेती हूँ। और ये मैंने बनवाया है ताकि मैं बाहर लकड़ी का यूज कर सकूँ। तो इसे नीचे राख वाख में, हाँ थोड़ा कम कर रहे हैं। और ठंडक है इसलिए अच्छा भी लग रहा है और मौसम भी ऐसा ही, धूप नहीं निकला हुआ है बिल्कुल, पर हवा नहीं है इसकी वजह से आज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हवा चलती तो फिर आज इधर उधर हो जाती। मैं कल ही बनाने वाली थी पर कल इतनी हवा थी कि बाहर बना नहीं सकती थी। तो
तो देखिए अब ये भी भून गया, थोड़ा और पाऊंगा। अरे दीदी के बहू के यहाँ से देखो ये सब खिचड़ी आ गया है, तो दीदी थैंक यू बाय। ये भी भून गई है, तो इसको हाथों से मसल के पहले इसको साफ कर लेंगे। तब तक मैं इसमें पाक के लिए गुड़ और पानी डाल देती हूँ। पानी बहुत ही कम यूज करना चाहिए, ज़्यादा लाने से फिर पाक बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं थोड़ा डालूंगी और इसमें मैं ज़्यादा ही इकट्ठे बना दूंगी, तो फिर उस चावल की भुजे भी है तो उसका ही बनाना है। हाँ ऊपर जाएगा। तो देखिए मकर संक्रांति की तैयारी हो गई है और अब कल सुबह हम त्योहार मनाएंगे। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।